एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल केवल ऑफिसर्स प्रो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द हाउसेस, हाउस के कुछ वोकैबुलरी जिनके बारे में आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका चिमनी। चिमनी जैसा कि आप ऊपर इमेज में देख रहे होंगे, इसके बारे में हम जानते हैं वर्टिकल चैनल और पाइप विच कंडक्ट्स स्मोक एंड कम्बस्टम गैसेस फ्रॉम अ फायर और फर्नेस एंड टिपिकली थ्रू द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। यानी कि एक ऊर्ध्वाधर चैनल या पाइप जो आग या भट्टी से और आमतौर पर एक इमारत की छत के माध्यम से धुआं और दहन गैसों का संचालन करता है, इसको हम बोलते हैं चिमनी। सेकेंड पॉइंट है ड्रेन पाइप, इसको हम परनाला भी कहते हैं। तो इसके बारे में अ पाइप फॉर कैरिंग ऑफ रेन वाटर और लिक्विड रिफ्यूज फ्रॉम अ बिल्डिंग। यानी कि किसी भवन से वर्षा जल या तरल कचरा निकालने के लिए एक पाइप जिसको बोला जाता है ड्रेन पाइप, जैसा कि आप ऊपर इमेज में देख रहे होंगे। थर्ड पॉइंट है गैरेज, यानी अ बिल्डिंग वेयर अ कार इज केप्ट बिल्ड नेक्स्ट टू और एज पार्ट ऑफ अ हाउस। यानी कि एक इमारत जहाँ कार रखी जाती है, जो घर के बगल में या उसके हिस्से के रूप में बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं गैरेज। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बालकनी, जो कि आपको ऊपर इमेज में दिख रही होगी। इसके बारे में हम जानेंगे अ रेस्ट प्लेटफॉर्म दैट इज कनेक्टेड टू द साइड ऑफ अ बिल्डिंग एंड सराउंडेड बाई अ लो वॉल और रेलिंग। यानी कि एक ऊंचा मंच जो किसी इमारत के किनारे से जुड़ा होता है और निचली दीवार या रेलिंग से घिरा होता है। नेक्स्ट है बर्गलर अलार्म, मतलब कि चोर घंटी। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इमिट्स अ लाउड नॉइज व्हेन समवन अटेम्प्ट्स टू मेक अनऑथराइज्ड एंट्री टू अ बिल्डिंग और अदर प्रेमिसेस। बर्गलर अलार्म को हम लोग चोर घंटी भी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो तेज आवाज निकालता है तब जब कोई व्यक्ति किसी इमारत या अन्य परिसर में प्रवेश करने का प्रयास करता है, उसको हम बोलते हैं बर्गलर अलार्म। नेक्स्ट सिक्स नंबर विंडो पेन, यानी कि खिड़की का शीशा। अ सिंगल पीस ऑफ ग्लास इन द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग, यानी किसी इमारत की खिड़की में कांच का एक टुकड़ा। नेक्स्ट रिज, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं चोटी। द लाइन और एज फॉर्मेट वेयर द टू स्लोपिंग साइड्स ऑफ अ रूफ मीट एट द टॉप। नेक्स्ट है पोर्च, इसको हम लोग ओसारा भी बोलते हैं। अ कवर्ड शेल्टर प्रोजेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि एक इमारत के प्रवेश द्वार के सामने फैला हुआ एक ढका हुआ आश्रय। नेक्स्ट ईव्स, इसको हम लोग कांगनी भी कहते हैं। द पार्ट ऑफ अ रूफ दैट मीट्स और ओवरहैंग्स द वॉल ऑफ अ बिल्डिंग, छत का वह भाग जो किसी इमारत की दीवारों से मिलता है या ऊपर लटका होता है। नेक्स्ट है लेटर बॉक्स, यानी कि पत्र पेटी। अ बॉक्स अटैच्ड टू एन आउटसाइड वॉल और अ स्लॉट इन द डोर ऑफ अ बिल्डिंग इन टू विच मेल इज डिलीवर्ड। यानी कि बाहरी दीवार से जुड़ा एक बॉक्स या किसी भवन के दरवाजे में एक स्लॉट जिसमें डाक को वितरित किया जाता है, यानी कि डाक को डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट विंडो सिल, यानी कि खिड़की के नीचे जो उभरी हुई चट्टानें होती हैं उसको बोलते हैं विंडो सिल। तो अशर फॉर्मेड बाई द बॉटम पार्ट ऑफ द फ्रेम ऑफ अ विंडो, यानी खिड़की के फ्रेम के निचले हिस्से से बनी एक शेल्फ। नेक्स्ट है पेशियो, इसको हम आंगन कहते हैं। अ पेव्ड आउटडोर एरिया एट जॉइनिंग अ हाउस, यानी कि घर से लगा हुआ पक्का बाहरी क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेरेंडा, जिसको हम लोग हिंदी में बरामदा कहते हैं। अ रूफ्ड प्लेटफॉर्म अलोंग द आउटसाइड ऑफ अ हाउस लेवल विद द ग्राउंड
फ्लोर यानी कि घर के बाहर एक छत वाला मंच जो भूतल के बराबर होता है। नेक्स्ट है स्काई लाइट जिसको हम लोग रोशनदान कहते हैं। एन ओपनिंग इन अ रूफ और सीलिंग फिटेड विद ग्लास फॉर एडमिटिंग डे लाइट यानी कि दिन के उजाले को प्रवेश देने के लिए छत या छत में एक खुला स्थान जिसमें कांच लगा होता है उसको हम लोग स्काई लाइट यानी कि रोशनदान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोर्ट यार्ड, इसको हिंदी में कहते हैं चौक। एन अनरूफ्ड एरिया दैट इज कम्प्लीटली और पार्शियली इनक्लोज्ड बाय वॉल्स और बिल्डिंग्स टिपिकली वन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ कैस्टल और लार्ज हाउस। इसका मतलब एक बिना छत वाला क्षेत्र जो पूरी तरह या आंशिक रूप से दीवारों या इमारतों से घिरा होता है जो आमतौर पर महल या बड़े घर का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है वेंटिलेटर, इसको हिंदी में कहते हैं वायु प्रवाहक। एन ओपनिंग और डिवाइस सच एज अ फैन यूज्ड टू वेंटिलेट अ रूम बिल्डिंग ईटीसी यानी कि एक उपकरण जैसा पंखा जिसका उपयोग किसी कमरे भवन आदि को हवा देने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ द हाउसेस पढ़े जो घर को कंप्लीट करते हैं जो पार्ट उनके बारे में आज हमने सीखा। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया होगा। इसी तरह की वीडियो को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।